अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड मैगज़ीन। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी वेजी पकोड़े जो रमज़ानों के लिए बेस्ट हैं। तो मैं भी आज ये इफ्तारी में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने 3.5 टेबल स्पून भर के बेसन ले लिया है, थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो कि इसके बराबर है इस चम्मच के, थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। यहाँ ले लिए मैंने स्प्रिंग अनियन चॉप्ड, मिंट ले लिया है पुदीना चॉप, 2 अदद हरी मिर्ची ले लिए, इन्हें भी चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है इस तरह लंबाई में, और ले लिए मैंने यहाँ पर कैबेज। अब सबसे पहले हम बेसन में जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं ऑल स्पाइसेस, इनको ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे घोल लेंगे। देखें बेसन हमारा घुल चुका है। इसको ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बिल्कुल इतनी होनी चाहिए। अब इसको हम 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ग्रीन चिल्ली ऐड कर दी है मैंने इसमें। अब हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, सब ऐड कर देंगे इसमें। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया भी ऐड कर देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। तेल हमारा प्री हीट हो गया है। अब हम इसमें डालना स्टार्ट कर देंगे पकौड़े। देखें ज़बरदस्त से क्रिस्पी पकौड़े हमारे रेडी हैं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बने हैं ये पकौड़े। देखें कितने क्रिस्पी हैं ये। इंजॉय करें पकौड़े। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।